माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अविनाशा शर्मा हरियाणा शिक्षा विभाग में बतौर अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ मान्य हरियाणा के जो वंचित समाज के बच्चे हैं जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए मैंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया है ये भाषा की प्रयोगशाला न सिर्फ भाषा अंग्रेजी भाषा के लिए तैयार की गई है बल्कि क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा दोनों का ही इसमें समावेश किया गया है महोदय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है इन पहलुओं को देखते हुए मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया है जैसे जनरेटिव टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं स्पीकोमीथर और टॉकपाल उनके जरिए भाषा के शुद्ध उच्चारण को बच्चे सीखते और समझते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे साझा करते हुए महोदय कि मैंने अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व यूनेस्को यूनिसेफ इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में देशों में किया और उसका प्रभाव मेरे क्लासरूम तक पहुंचा आज हरियाणा का एक सरकारी स्कूल ग्लोबल क्लासरूम बन गया है और उसके ज़रिए बच्चे इंडोनेशिया में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं थोड़ा अनुभव बताएंगे किस प्रकार से करते हैं आप बच्चों को भी पता हाँ चले है हाँ जी सर माइक्रोसॉफ्ट स्कॉपथन एक टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको मैंने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बच्चे जब बातचीत करते हैं उनके कल्चर उनकी लैंग्वेज उनकी जो रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ें हैं जिस तरीके से वो अपने अकैडमिक्स को इन्हांस करते हैं वो चीज़ें हमारे बच्चे सीख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत सा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी सर आपसे मैं जब उज्बेकिस्तान गई तो वहाँ से जो अनुभव मैंने अपने बच्चों से शेयर किया तो उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके से अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है ठीक उसी तरीके से उज्बेकिस्तान के लोग अपनी मातृभाषा उज्बेक में बात करते हैं रशियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है राष्ट्रभाषा है और अंग्रेज़ी उनकी अकादमिक भाषा है तो वो अपने आप को इस विश्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अंग्रेज़ी उनके लिए सिर्फ़ एक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रह गई है। उनको ये रुचि बढ़ने लग गई है इस भाषा में क्योंकि अब ये नहीं है कि विदेशों में ही अंग्रेजी बोली जाती है और ये उनके लिए बहुत सहज है ये उनके लिए उतनी ही चैलेंजिंग है चुनौतीपूर्ण है जितनी हमारे भारतीय बच्चों के लिए हो सकती है नहीं आप बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं अच्छी बात है लेकिन देश भी दिखा रही हैं क्या बिल्कुल सर जब हमें हमारे देश की कुछ चीजें जिससे उनको अंग्रेजी सीखने का जानने का समझने का मन कर जाए ऐसा कुछ सर मैंने इस भाषा प्रयोगशाला में भाषा कौशल विकास पर काम किया है तो अंग्रेजी भाषा तो एक पाठ्यक्रम की भाषा रही है बट भाषा सीखी कैसी जाती है क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो हरियाणवी परिवेश के हैं अगर मैं रोहतक में बैठे हुए बच्चे से बात करूं वो नूह में बैठे हुए बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट भाषा में बात करता है तो अच्छा हम जैसे घर में हमारे पास टेलीफोन पुराने जमाने में वो जो रहता था हाँ जी डिब्बा वो फोन है और हमारे घर में कोई गरीब परिवार की कोई महिला घर काम के लिए अपने यहाँ आती जाती है इतने में घंटी बजी और वो टेलीफोन उठाती है उठाते बोलती हेलो वो कैसे सीखी वो यही भाषा का कौशल विकास सर बताया भाषा सुनने पर और उसका प्रयोग करने पर आती है और इसलिए तो। सचमुच में लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है बिल्कुल मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए वो प्रोफेसर थे नौकरी के लिए आए उनके साथ उनकी वृद्ध माता जी थी अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो छः महीने के बाद भी और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो धना धन गुजराती बोलना शुरू कर दिया <laughs> तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया मैंने पूछा ये नहीं बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना उसको और कुछ आता नहीं तो बोले मुझे सीख गया <laughs> 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 बोलचाल से सीखा जाता है <laughs> बिल्कुल सर मुझे बराबर याद है मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में जो टीचर थे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे और हमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ी तकलीफ करती थी <laughs> लेकिन उन्होंने राजा जी ने जो रामायण महाभारत लिखी है तो उसमें से रामायण की जो बहुत परिचित वार्ता तो सबको परिचित होती है तो बड़ा आग्रह करते थे कि राजा जी ने जो रामायण लिखी है उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो कथा पता था भाषा पता नहीं थी लेकिन बहुत जल्दी कोरिलेट करते थे एक दो शब्द समझ गए तो भी लगता था हाँ ये कहीं सीता माता की कोई चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल सर है। चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू सर थैंक यू